आर्यन को ऐसा लगता है कि टीवी के सामने बैठ गया है थर्सडे को आके, है नहीं कि नहीं? तो तो आप क्या एक्शन ले रहे हो, और कहीं जा रहे हो, मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, या अभी तक आप चिंतन ही कर रहे हो कि क्या करना है? आर्यन का चेहरा तो प्रशांत किशोर जैसे दिखता है। चले नहीं जाओ आप। आर्यन, देखिए आपने प्रशांत किशोर को, आपके यहाँ के है ना? बिहार ना ना, हमारे यहाँ के कहाँ, वो तो बिहार के हैं, उत्तर के? क्या आप कहाँ के हो? प्रदेश वही बदायूं। यूपी बिहार तो उधर ही है ना, आजू बाजू में। हाँ है तो बाजू, लेकिन हमारे यहाँ से बिहार बहुत दूर है। हमारे इधर महाराष्ट्र भी यूपी वाले को बिहारी, बिहारी वाले को यूपी, दोनों एक ही समझ लेते हैं। अरे अभी रतन ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, बिहार में चुनाव आने वाला है, आप प्रशांत किशोर के बॉडी डबल बन सकते हो। तुरंत आप वो एनिमल वाला जो मूवी है और बॉडी डबल वाली दूसरी मूवीज देखो, जाओ प्रशांत किशोर के पास, बोलो कि आप चंपारण में रहेंगे तो मैं मधुबनी में रहूंगा। अभी कल ही तो पार्टी लॉन्च करी उन्होंने, मतलब स्थापना दिवस स्थापना कल करी थी। तब अभी कितना काम है उनके पास, सोचो पार्टी लॉन्च कर दी, वो कितनी जगह रहेंगे खुद। तो आप अपने दुकान से बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, तभी तो आपको कुछ और अभी पैसे भी कमाओगे। मिलके तो आया था, लखनऊ गया था मैं अभी। अभी लखनऊ गया था कुछ दिन पहले हर्ष आप क्या कर रहे हो, और बाकी लोगों के भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछो। देखो सिंपल सी बात है, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, मिलिए, मिलेंगे, सवाल आएंगे, फिर यहाँ आके आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेशन से आप अभी मान लो 25% सीख रहे हैं, आपके 75% आपको फायदा होगा। आप कहीं जाओगे ही नहीं, आप सिर्फ, आपको लगेगा कि दूसरों का ज्ञान ले, इस तरह का बहुत सारा ज्ञान लेते रहोगे, नहीं जैसे होने वाला है उससे। अभी, जैसे अभी यूपी के इलेक्शन में 2.5 साल है, तो 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल है। तो अभी ये जैसे अगर कैंडिडेट से बात करो, कोई है जो कुछ पिछला चुनाव लड़ चुका है, तो आगे लड़ने की उसकी संभावना है, तो उनसे बात करो तो वो कहते हैं अब जो पार्टी ने आदेश कर दिया है, एक वो जो सीट बताएंगे वहां से 1 साल पहले तैयारी करेंगे। तो इस संबंध में कैसे, क्या अप्रोच की जाए? अभी मैं उतने देर से अक्रम को यही बात बता रहा था कि अगर आप पॉलिटिशियन हो और आप इसमें अपना, आपने कुछ भी है, समय दिया हुआ है, मान लो एक बार चुनाव लड़ा हुआ है अगर आपने, या नहीं भी लड़ा है, लड़ने वाले, ठीक है, तो भी सबसे जरूरी काम एक पॉलिटिशियन के लिए होता है, जिसके लिए भी उसने काम किया है, उसका डाटा मेंटेन करना, जो कि बहुत बड़ा एक मिसिंग पार्ट है। पॉलिटिशियन 95-97% पॉलिटिशियन ये काम नहीं करते हैं। डाटा भी अगर मैनेज करते हैं तो ऐसे मैनेज करते हैं कि उनके फोन में बस नाम और नंबर होता है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है। सिर्फ नाम नंबर से थोड़ी ही होगा आपको ये। आप जैसे देखो ये फोन में नाम नंबर है, इससे क्या पता चल रहा है? सही बात है। कुछ पता चल रहा है इससे? नहीं। हमें क्या, एज अ पॉलिटिशियन हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि नाम, अगर कोई बंदा है, इसका हमने क्या काम किया, इसके परिवार में कितने वोट हैं, ये पता पूरा, ये चीज, ये कहाँ रहता है, कौन से पोलिंग बूथ पे रहता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है ना। जी अगर हमने मान लो कि 200 लोगों का काम किया, इसका मतलब है कि कितने वोट हमने इन्फ्लुएंस किए, पता तो हो कि 200 का काम किया तो 1,000 वोट इन्फ्लुएंस किए या 500 वोट इन्फ्लुएंस किए, और वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ये काम आप कब करेंगे? जब पार्टी टिकट से बांट देगी तब करेंगे? टिकट पार्टी को बताने के लिए आप बताओगे तब ना, मैंने इतना काम किया, इतना मेरा वोट बैंक है, तब तो पार्टी कंसिडर करेगी कि आपको टिकट भी देना है कि नहीं देना है। और वही तो। एक दिन में थोड़ी होने वाला है ये काम, इसमें तो समय लगेगा भाई ये काम करने में आपको। ये उनको समझाइए जाके, देखिए क्या बोलते हैं।
असल में उन्होंने पहले बसपा से जो 22 का इलेक्शन था बसपा से उन्होंने लड़ा, बसपा से वो हार गया, समाजवादी में आ गए 2024 का इलेक्शन था इसमें। अब वो कह रहे हैं उनकी जिस सीट से लड़ा वहाँ पहले ही एक कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी से, उनकी ज्यादा मजबूत दावेदारी, वो दो बार लड़ चुके हैं लेकिन जीते नहीं है, वो यादव है, वो जीते नहीं है दो बार, लेकिन उनका टिकट कटना इम्पॉसिबल है क्योंकि उनका उनके जो संबंध है समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे हैं और मतलब फैमिली जैसे संबंध है उनके, तो वो उनका चांसेस उस सीट से वो लग नहीं रहा है, तो उनका भी यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है किस सीट से लड़ेंगे। आर्यन गुड्डू जमाली की बात कर रहे हो क्या? ना ना, हम अपने यहाँ विधानसभा दातागंज की बात कर रहे हैं। गुड्डू जमाली तो वो शायद अब तो MLC बन गए शायद, आजमगढ़ तो MLC है। अच्छा, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दें कि गुड्डू जमाली के ही सोसाइटी में हम रहते हैं, पूर्वांचल ग्रुप के वो बिल्डर हैं और पूर्वांचल रॉयल सिटी जिसमें हम जहाँ रहते हैं वो उन्हीं का है। चलो, ये उनका एक प्रोफेशनल पार्ट अलग है, बट वो एज अ पॉलिटिशियन बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इसलिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों को एकदम अलग रखते हैं और दोनों को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। मतलब बिजनेस में पॉलिटिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। अच्छा, और एक चीज ये आपको बोलेंगे आर्यन, देखो आपकी पूरी बात से मैं आपके सामने कोई ऐसा बहुत बहुत अच्छा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? आप ये बात समझो कि आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो इस फील्ड में, बाकी कोई भी दूसरा काम आप भले कर रहे होगे, लेकिन दो दो महीने में एक एक बंदे से जाके मिलना और उस बंदे से मिलने के बाद यहाँ पे आके ये डिस्कस करना कि उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ये डिस्कस करते हो कि क्यों नहीं ये काम हो सकता है, ठीक है? अरे भास्कर सर, वो आर्यन को उधर भेज दो ना, वो अपना किनके पास, वो पर्यावरण मंत्री अपने जिनके पास अपन गए थे, हाँ क्या नाम है उनका, सी भूपेंद्र यादव जी, हाँ जाते हैं क्या आर्यन जी, बात करूँ क्या मैं भूपेंद्र जी से, वो ना इंडिया के मिनिस्टर है, क्या उनके साथ जाएंगे क्या आप? तुमको क्या करना है, वो हरियाणा के सारा देश का नॉलेज लेके दुकान में बैठे हो, अभी वो हरियाणा का है, मैं महाराष्ट्र का, अरे पैसा तो वही है, तुम्हारे इधर के अलग है क्या 10 का नोट? नहीं नहीं नहीं, जाओ आप, मैं बात भास्कर जी को भेज दो उधर, अपना एक बंदा बैठ जाएगा उधर जाके कुर्सी पे। हाँ वैसे भी ये कहीं हिलते तो है नहीं, बैठे ही रहते हैं। इनके लिए कुर्सी रखवा देते हैं वहां पे। ठीक है, आप मेरे से बात करना बाद में, आपके लिए वहां एक कुर्सी भूपेंद्र जी के यहाँ रखवा देते हैं। गणेश जी बहुत सीरियस दिख रहे हैं आज। गणेश जी, हाँ पूछिए गणेश जी। नहीं नहीं, अभी अभी ज्वाइन हुआ, थोड़ा बाहर गए तो। सर मैंने आपके वो जो बीच पे मैंने एक बूथ मैनेजमेंट का काम लिया, एक कैंडिडेट का पूरा। हाँ पूरा फाइनल हुआ है वहाँ पे, उनके उनके वहाँ पे रुकने का है 15-20 दिन, वहाँ पे उनका पूरा बूथ मैनेजमेंट का काम करके दिलाएंगे सॉफ्टवेयर में। ओके, कास्ट वाइज मोबाइल नंबर, शिफ्टेड वोटर्स, फैमिली मर्ज करना है, जो कार्यकर्ता को असाइन करना है वोटर्स की जवाबदारी देना है, बाकी भी कुछ चीजें वहाँ पे कहाँ पे फोकस करना है, उनका सर्वे करके देना है, उनका प्रिंटिंग करके देना है। मैं क्या बोल रहा था भास्कर जी, अभी गणेश जी ने काम लिया है तो बाकी किसी के पास काम नहीं रहेगा, तो एक्सपीरियंस के लिए थोड़े पार पैसे देके गणेश जी के पास चले जाने का। आ सकते वेलकम सर, वेलकम। डेफिनेटली इनको तो चाहिए ही होगा रिसोर्स। हुई ना अभी इलेक्शन। अच्छा, और गणेश जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम से और सेशन से आपको इस काम मिलने में कोई फायदा हुआ? यस सर, फायदा हुआ, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये फायदा हुआ है। अभी ये जो बूथ मैनेजमेंट का मैंने काम लिया है, इसके पहले काम नहीं लिया था बूथ मैनेजमेंट, पहले इसके पहले मैं बस सॉफ्टवेयर सेल करता था, उनको कुछ प्रॉब्लम आया तो बताता था, अभी तो उस पर मैंने बूथ मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ खुद। अभी उनकी डिमांड थी कि आप 15 दिन यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे करके देंगे, बोला ठीक है पहला काम है अपना, ये तो अच्छा करके देंगे, यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा। वेरी गुड,
हाँ बाकी अदर बिजनेस अपना थोड़ा स्कीप हो जाएगा, ठीक है दिक्कत नहीं कोई, लेकिन बाहर तो आप दूसरे लोगों को छाप सकते हैं बराबर है। हाँ तो बाकी लोगों को भी मैं ये बोलूंगा कि आप जो जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम नहीं लिया है वो उसको ले लें, क्योंकि सेशन में आना, यहाँ अपने डाउट्स पूछना, डेफिनेटली इससे आपके डाउट्स आंसर हो जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज को अगर सही में आप उसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसमें डीप लर्निंग लेना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। जब आप वो कर लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद, जैसे मान लो कि आप किसी सिचुएशन में बैठे हो, वहां सामने वाले ने आपसे सवाल पूछा, तो जवाब तो वहीं आपके पास होना चाहिए ना। आप थर्सडे का वेट तो नहीं करोगे ना कि आपके पास जवाब थर्सडे को आप यहाँ आओगे डिस्कस करोगे जवाब होगा तब फिर वहां जाओगे। प्रोग्राम को डिजाइन करने का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो एक तरह से आपके साथ मैं हूं, चाहे मैं नहीं भी हूं, वो प्रोग्राम आपके साथ है जिसमें अपनी सारी नॉलेज, अपनी तो एक चीज है, उसको मैंने इंटरनेशनल लेवल के नॉलेज को गेन करके डिजाइन किया है, तो मैं खुद भी उसको देख के उससे बहुत चीजें सीखता हूं। तो आप जब उसको उस माइंडसेट से, उस लर्निंग के साथ किसी के पास जाएंगे तो काम आप ऐसा समझ लो कि मिलना ही मिलना है। क्या गणेश जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। नहीं एकदम सही बात है सर, आप जो पिच करेंगे अपन आप समझो हम उसमें काम कर दे, लेकिन वो पूरा कैसे होना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, बाकी कुछ होता नहीं, तो आप करके अगर देंगे तो क्लाइंट लेता ही। तो अभी तो मुझे उसी वजह से फायदा हुआ है सर। बताओ 10,000 का प्रोग्राम लिया और कुछ नहीं भी तो 5-7 लाख का कितने का बिजनेस मिला आपको, अगर आप शेयर करने? 10 लाख सर। 10 लाख का बिजनेस मिला, बताओ 10 लाख, 10,000 के प्रोग्राम पे 10 लाख का बिजनेस मिल गया, 100 times रिटर्न है। यस सर। लेकिन वो क्या सर, 100 की सब डिमांड थी, आप यहाँ पे रुकेंगे, आप लीगल एग्रीमेंट बना के देंगे, ठीक है, हमने सब उसकी बात एग्री है, हमारा लीगल एग्रीमेंट हुआ है, अभी हम उनका पूरा काम करके दे रहे हैं। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपको किसी एक जगह तो कंप्लीट काम करना हमेशा अच्छा है, उससे आपको 360 डिग्री नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज से कभी भी बहुत ज्यादा क्लाइंट लेने से अच्छा है कि कुछ क्लाइंट का बहुत ज्यादा काम किया जाए, मैक्सिमम काम किया जाए, वो अप्रोच होना चाहिए, डीप जाया जाए रादर देन की ऊपर ऊपर काम करने के। रतन सही बोल रहा हूँ मैं? सही है सर। रतन सर को बहुत नॉलेज है सर इसका सब। नहीं, मेरे को कुछ नहीं नॉलेज, मैंने नॉलेज का क्या गणेश जी, अभी तो आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आपका तो अभी कंपनी लीगल में आ रहा है, पहला इंडिया में पहला आपका लीगल ये होगा डॉक्यूमेंटेशन। नहीं लीगल एग्रीमेंट किया अभी उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन। आर्यन जी आप आइए महाराष्ट्र में, करिए देखो प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा। तुम जहाँ पर हो ना आर्यन जी, यहाँ पर आप अपडेट नहीं हो, महाराष्ट्र में एक बार आप आओ, लोग पॉलिटिकल एडवाइजर कितने अपग्रेड हो गए आपको इधर आने के बाद पता चलेगा, क्या गणेश जी? यस बराबर है सर, उनको पता है कि उनको मालूम है कि सॉफ्टवेयर लेके कुछ फायदा नहीं, इस पे काम करना चाहिए, इस पे मैनेजमेंट करना चाहिए, माइक्रो वोटर टारगेटिंग करना चाहिए, डेमोग्राफिक वोटर टारगेटिंग करना चाहिए, जियोग्राफिक वोटर टारगेटिंग करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, ये उनके कार्यकर्ता से नहीं होता, ये खुद हमें कैंडिडेट बोला है 2-3 बार। कम्युनिटी वाइज टारगेटिंग, वोटर टारगेटिंग, कास्ट वाइज, यस, कॉन्टैक्ट नंबर सुनने चाहिए। महाराष्ट्र में कास्ट फास्ट ना गली गली में बेच रहे लोग हमारे इधर, 10 रुपए में एक बूथ का काम कर रहे हैं हमारे इधर। हाँ सो एक्चुअली क्या है कि देखिए रतन ने अभी बहुत सही बात बोली, अगर आप रैंडमली मार्केट में घूम जाएं, किसी पॉलिटिशियन के पास जाएं, तो इतने सारे स्ट्रेटजिस्ट कंसल्टेंट उसके पास आते हैं, कोई भी ऑन अप ऑन रेट उसको देते रहते हैं, ये काम इतने में हो जाएगा, ये इतने में हो जाएगा, वो उतने में हो जाएगा, और वो रहता है अगर मूर्ख पॉलिटिशियन है तो उनमें से किसी से काम करा लेता है, लेकिन कोई भी जो बुद्धिमान पॉलिटिशियन है, कोई भी जो पुराना नेता है, वो हमेशा अपने लोगों से ही काम कराता है, और
उस उनको मनमाना जो वो मांगते हैं पैसा वो उसको देता है, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट पे इस फील्ड में काम होता है। इस फील्ड में कोई चीज का रेट नहीं होता है कि इस काम का इतना रेट या उस काम का, ट्रस्ट। और ट्रस्ट आप हजार लोगों के साथ नहीं बना सकते हैं। वैसे लोग जो अपने 1 करोड़ के कैंपेन के लिए आप पे ट्रस्ट करें, वैसे लोग 2-4 ही होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 लोग आप पे अपने पैसे के लिए ट्रस्ट करें, मेजर अमाउंट के लिए। ये आप लोगों जितने अच्छे से समझेंगे उतना ये एक लॉन्ग टर्म विजन में आपको हेल्प करेगा कि इस फील्ड में कैसे ग्रो करना है। ग्रो करना सिर्फ एक इलेक्शन में पैसे कमा लेने से आप ग्रो नहीं करोगे। हो सकता है उस इलेक्शन में कमा लो, अगले में नहीं कमाओगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है इस फील्ड में आगे बढ़ने का, आपके पास विजन नहीं है इस फील्ड में आगे बढ़ने का, तो नहीं कमा पाओगे। कुछ टाइम बाद परेशान होगे कि यार काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, फिर छोड़ दोगे। और ये मेरे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब आप लोग तो डेफिनेटली यहाँ हो, ये मैं तो अपने एक्सपीरियंस से भी ये बात आपको बोल सकता हूँ कि मुझे खुद ही काम बहुत समय तक काम नहीं मिला, और मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड था। तब मैंने फिर, मैं तो कहूंगा कि थैंकफुली कोरोना आ गया कि मौका मिला कि अपने को एजुकेट कर पाए, और 2 साल पूरा मैंने अपने एजुकेशन में लगा दिया कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, चलो हम महा बेकार आदमी है, बाकी लोग तो दुनिया में जो अच्छा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका समझा जाए। तो उस प्रोसेस में मैंने पूरा इंटरनेशनल लेवल तक रिसर्च किया। अमेरिका में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी 70 साल से चली आ रही है, तो ऐसे ही थोड़ी चली आ रही है। लोग अपनी कंपनी, यहाँ इंडिया का जो सिचुएशन है, यूएस में लोग अपना कंपनी बनाते हैं, फुल टाइम प्रोफेशन है ये बहुत सारे लोगों का, 70 साल से चला आ रहा है। कैसे करते हैं हम लोग के यहाँ 10-12 साल हुआ, तो हम लोग भी धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं ना, लेकिन अगर विजन ही नहीं है तो कैसे मेच्योर होंगे भाई। हम विजन होना बहुत जरूरी है और नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। और जैसे आज मैंने जो एक टॉपिक किया था डिस्कस कि कैंपेन्स क्यों फेल होते हैं, तो मैं क्विकली चाहूंगा कि उस पे डिस्कस कर ले। तो कोई भी कैंपेन जो फेल होता है उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है उसको अपने वोटर टारगेट ग्रुप का ही पता नहीं होता है। उसको लगता है कि सारे मेरे वोटर हैं, जबकि वैसा होता नहीं है, सारे वोटर आपके नहीं है। तो जब आपको अपने टारगेट ग्रुप का नहीं पता होता है तो आप किसे क्या मैसेज देना है वो मैसेज आप नहीं बना पाते हैं। आप एक जनरल मैसेज, कुछ भी मैसेज बना के दे रहे होते हैं। तो कोई भी मैसेज, मान लो कि एक गाना बज रहा होता है, कितनी बार आप सुनते हैं एज अ वोटर बताइए। आपके पड़ोस में गाना बज रहा है, क्या आप ध्यान भी देते हैं उस गाने पे? नहीं ध्यान देते हैं, उसी गाने को सुनते हैं जो आपके पसंद का है। तो अगर पॉलिटिशियन अपने मार्केटिंग मैसेज में कुछ भी बोल रहा है तो लोग सुनेंगे थोड़ी उसकी बात, कोई नहीं सुनता है। तो ये एक बड़ा रीजन है, उसको पता ही नहीं उसके टारगेट वोटर क्या है, वो एकदम बिना बीट का गाना बजा रहा है, कोई नहीं सुनता है, पैसे तो उसके खर्च हो जाते हैं। राइट। तो ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से कैंपेन्स फेल होते हैं। दूसरा रीजन क्या है फेल होने का? दूसरा, वैसा भाई मान लो एक उस टाइप के पॉलिटिशियन होते हैं जिनको पता है कि उनके कौन वोटर है, उनको पता है कि भाई ये मेरे वोटर है। जैसे भाजपा को पता है कि हिंदू मेरे मेजर वोटर, ठीक है, समाजवादी को पता है कि MY कॉम्बिनेशन मेरे वोटर है और एक प्रोग्रेसिव लोग मेरे वोटर, ठीक है, वोटर सेगमेंट का पता है। तो जब वोटर सेगमेंट का पता है तो उनको क्या मैसेज देना है ये भी पता है उनको, लेकिन वो भी कैंपेन्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि भाई ये मैसेज तो इनको देना है, ये जानकारी सब है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, फोकस नहीं है उनके कैंपेन में। कोई आके कह रहा है कि आपकी वहां विजिबिलिटी नहीं है तो वो वहां विजिबिलिटी में चले जा रहे हैं, कोई मीडिया वाला कोई दूसरा नेता कुछ बोल दिया तो उसके काउंटर जवाब में चले जा रहे हैं। अपने वोटर को कैसे वोट दिलवाएं, ये जो जानकारी है उसको पेपर पे और वोट में कैसे कन्वर्ट करें, उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते, इस वजह से हार जाते हैं। जानकारी सब है लेकिन फिर भी हार जाते हैं।
और तीसरा वो टाइप का कैंपेन होता है जहां पे लोग फेल हो जाते हैं, जहां पे वो मेहनत नहीं करते हैं, लेजी कैंपेन। मेहनत का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जानकारी भी है, ठीक है, आपके वोटर कौन है, उनको क्या मैसेज देना है ये जानकारी, आपके पास प्लान भी है कि इसको सारा कुछ पता है, तो आपको पता है कि भाई अगले महीने एक महीने में मुझे इस एरिया में डोर टू डोर कर लेना है, उसके अगले महीने में मुझे इस एरिया में डोर टू डोर कर लेना है, ये आपको पता है, सब पता है, सारा कुछ प्लान है पेपर पे, सब बनाया हुआ आपने। लेकिन अब उस प्लान को सिर्फ बनाने से तो काम नहीं होगा, उसको तो करना भी तो होगा, उस प्लान को फुलफिल, तो वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके शेड्यूल में है कि आज आप फलाने एरिया में जाके इस 20 घर में डोर टू डोर करेंगे, और आपके पास एक फोन आ जाता है जो कि कहता है कि मेरे साथ चलिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप उधर चले जाते हैं, डोर टू डोर नहीं किया, वो चला गया। तो जहां पे आपका खुद का ये अप्रोच है, आपके कार्यकर्ताओं का भी यही अप्रोच रहता है, कार्यकर्ता भी कह रहे भाई खुद से तो अब 20 घर में करेंगे, लेकिन आपने उस एरिया का करने का प्लान किया होगा, तो ये प्लान किया होगा कि मेरे 10 कार्यकर्ता उस एरिया में करेंगे तो 20-20 करके 200 घर हो जाएंगे। उन 10 कार्यकर्ताओं में से 3 कार्यकर्ता कहे कि भाई नहीं, मेरी तो आज वाइफ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं नहीं जा पाया, तो मैं आज का कल कर लूंगा, तो 60 घर वैसे खत्म हो गए। आपका कहीं और का प्लान हो गया, 30 लोग मान लो, 5 लोग जाके किए भी तो 100 घर हुआ, तो ओवरऑल 200 का टारगेट था लेकिन 100 ही घर हुआ ना। अब वो और एक आधा कार्यकर्ता उल्टा काम कर गया, उल्टा काम करके आ गए, जो भी उन्होंने रिपोर्ट दिया तो आपने उनकी फीडबैक नहीं लिया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, तो कल के दिन वो नहीं गए, उनको भी लगा कि यार। तो ये जो कैंपेन है ये लेजी कैंपेन, जहां पे बहाने का पिटारा है, ये नहीं हुआ इस वजह से नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इस वजह से नहीं हुआ, इनका फोन आ गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी थे इसलिए इस बाइट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो प्लान तो सब है लेकिन फुलफिल नहीं हुआ, तो भी उस केस में आप चुनाव हार भी जाएंगे, और हारने के बाद भी आप बहाने ही देते रहेंगे कि आपकी गलती नहीं है, दूसरे की गलती से हार गए चुनाव। इन तीनों केस में जो आपकी हार हुई चुनाव में, वो इसलिए नहीं हुई कि आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, आपकी हार इसलिए हुई कि आपका इंटरनल फेलियर हो गया, आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। और 75% कैंपेन्स जो फेल होते हैं वो अपने इंटरनल फेलियर की वजह से होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं कि उनका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था इस वजह से वो हार गए अपना चुनाव। वैसा सिर्फ 20-25% ही होता है जहां ओपोनेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था और वो जीत गया। 75% कैंपेन इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि समय से पहले पीक कर जाते हैं, जो बजट था वो पहले ही खर्च हो गया, सही से कैंपेन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया बजट, पता चला कि सोशल मीडिया में आपने ज्यादा खर्च कर दिया, इलेक्शन वाले दिन के लिए पैसा ही नहीं बचा, रैली में आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया, फलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा, कार्यकर्ता ही नहीं काम किए, थे तो कार्यकर्ता लेकिन काम नहीं किए। रतन भी इसका एग्जाम्पल देंगे, इस बार महाराष्ट्र में इनके खुद के यहाँ पे 2-3 नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कई सारे बीजेपी कैंडिडेट्स अपना चुनाव हार गए क्योंकि रैली में बहुत पैसा खर्च कर दिया और लास्ट में पोल डे मैनेजमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो बताइए रतन, तो इंटरनल फेलियर है, ओपोनेंट बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, आपके हार का कारण ओपोनेंट नहीं है, आप खुद हो, आपने बजटिंग नहीं करी सही से, उनका थोड़ी फेलियर है सर, ये अपना फेलियर है ना, मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइजर था तो मैंने छोड़ ही दिया ना, धंधा ही छोड़ दिया, मैं समझ गया कि वो गिर गए तो मेरा ही कुछ क्या रहता है अपने बिजनेस पे ना, अपने को खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसका काम कर रहा हूँ ना, तो चुन के आने वाला है, तो मैं समझ गया मेरा ना बहुत बड़ा एक कैंडिडेट गिर गया, वो गिर गया ना मैं भी गिर गया था, तो मैं समझ गया मेरे को कुछ नहीं आता है। उसके बाद से आप सेशन में आने लगे और अभी से आप पुनरुत्थान की जर्नी शुरू हो गया है।
क्या है, समझ गया मैं कि मेरी वजह से एक बहुत बड़ा आदमी गिर गया। अगर मैं उसका काम नहीं करता, कोई अच्छा एडवाइजर करता भास्कर जी की तरह, तो वो चुनाव जीत भी सकता था। बिल्कुल, फिर आपको भास्कर का पता चला, फिर मैं दिल्ली गया। हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर। अभी मैं अक्रम जी से भी मिला पिछली बार। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारे इस कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से भी मिल रहे हैं। आप पर्सनली, आप लोग, इसी से तो एक कम्युनिटी स्ट्रांग होती है। पॉलिटिक्स में इंडिविजुअली कोई नहीं आगे बढ़ सकता है। अब आर्यन भी भूपेंद्र यादव के यहाँ लग जाएंगे तो बाकियों को आर्यन आर्यन को मैं समझ गया हूँ। आर्यन को सिर्फ दुकान में बैठना, पेपर पढ़ना, पेपर में कौन नेता कहा जा रहा है, कौन पार्टी खड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। भले ही तो जा, आओ ना गणेश के पास, आओ ना महाराष्ट्र में, आओ रहो इधर 5-6 दिन, रहो, रहने का खाने का जुगाड़ कर देंगे, सीख के चले जाओ 4-5। क्या बार बार यही वीडियो पे आना देखना, वीडियो पे आना देखना। अरे भाई प्रैक्टिकल पे जाओ, गणेश भाई को काम मिला है तो आप वहां जाओ, 2-4 दिन रुको, आपका भी नॉलेज उनको दो, उनका नॉलेज आपके पास से लेके जाओ, फिर आप आपके स्टेट में जाओगे तो बोलोगे आई हैव एक्सपीरियंस विद महाराष्ट्र इलेक्शन, फिर कैंडिडेट के नाम बताओ, फिर गांव में बोल के जाओ मुझे महाराष्ट्र में बुलाया है गणेश जी ने, तो आप नहीं तो हमको बुलाओ, हम आते हैं आपके उधर, कुछ है क्या काम हमको बताओ, हम सब मिल के आते हैं वहां पर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आने का। ट्राई नहीं रे भाई, ट्राई तो तुम जिंदगी भर ट्राई करते आ रहे हो, घर वाले अपने ट्राई करके हम आ गए। मराठी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मराठी आनी चाहिए। किसने बोला आपको इधर मराठी बात करते हैं भाई, इधर सब हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, महाराष्ट्र भी चेंज हो गया है इधर। कई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी थी लिंक्डइन पे, इनका जॉब ऑफर था तो उनको मराठी मैनेजरी था। आप एक काम करो आर्यन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक सेशन करो कि आप 100% फेल हो जाएंगे। इस नाम से सेशन करो, जो आए वो कुछ भी पूछे, आप कहो आप 100% फेल हो जाओगे, इसमें ये प्रॉब्लम है। आप किसी, मैं बता रहा हूँ आपका जो माइंडसेट है ना, फुल ऑफ प्रॉब्लम, फलाना की आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ मराठी नहीं आती है प्रॉब्लम। तुम आर्यन जी वहाँ पर कितना पैसा कमाते हो दुकान में बैठ के, गणेश जी आपको हर महीने का 50,000 रुपए खाना रहना करके देंगे। एक महीना आओ इधर, आप इधर तो इलेक्शन नहीं है आपके यहाँ पर, आओ ना इधर महाराष्ट्र में, दिखाओ आपका नॉलेज। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आर्यन जी, आपको अच्छी ये कोई मिलती नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए प्रैक्टिकल। ठीक है मैं आता हूँ, आप बताइए कहाँ आना है। गणेश जी इनको क्या करो, 50,000 गए तो गए महीने का, इनको बुला लो आपने, उसके यहाँ पर बिठा दो गणेश जी, ये आर्यन जी को बहुत नॉलेज है, ये पूरा वो कैंडिडेट को खुश कर देंगे। मुझे 50,000 से मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब। वैसा नहीं, फिर आप गलत कर रहे हो, फिर आप धंधा छोड़ दो, बिना पैसे के हिलना डुलना नहीं है, यही धंधा है। हाँ 2 रुपए देने दो, लेकिन 2 रुपए इज्जत से लेने का है, फ्री में कहीं को नॉलेज बांटने जाओगे। रतन सर, रतन सर उनका अभी स्टार्टअप है, उनको पहले काम करने दीजिए, फिर बाद में पैसे देंगे। गणेश जी आपके आपसे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है, मैं वो लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। आप उसको ले लो उधर। गणेश जी एक बात बताइए, जब आर्यन ने दुकान खोली थी तो उस टाइम पे इसने फ्री में सामान बेचा था। बराबर है, बराबर है कि स्टार्टअप है। कोई नहीं, आप लोग एक दूसरे का जोक्स अपार्ट, आप नंबर ले लो। और एक्चुअली में ये सीरियस टॉपिक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सीखना चाहते हो, बाकी सारे लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, तो इससे ज्यादा फील्ड में रहोगे तो सीखोगे। अगर इस लाइन कोई किसी को देखो मदद करेंगे, भास्कर जी दिल्ली में बैठे, गणेश जी महाराष्ट्र में, ये बिहार में, अकरम जी कर्नाटक में, कोई किसी को आके मिलेगा, कोई काम करेगा तो नया सीख के जाएगा, सीख के जाएगा। देखो अभी वो आर्यन जी गांव छोड़ के आएंगे, क्या है उधर से इधर आना है जाना है, ट्रैवलिंग है ये वो, तो ठीक है। और क्या है गणेश जी, आपको भी एक्सपीरियंस वाला इधर कोई लोग नहीं मिलेंगे, ये ऐसे 10-5 हजार में लेके जाके लोग बिठा के कुछ नहीं। अभी अकरम जी से मैं मिला, मैंने उनको ऑफर दिया भास्कर जी कि बोला मैं सर आपको ना कुछ तो दूंगा, हम आप हमारे स्टाफ के साथ रहिए,
अगर इससे अच्छा कुछ अपॉर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा तो आप कीजिए, मेरे को वो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो कुछ सीख के तो जाएंगे एक दो महीने में यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है, देखो अपने घर में बैठ के तो पॉलिटिशियन आपके पास नहीं आएगा। आज गणेश जी को भी काम क्यों मिला है, ये अपने ऑफिस में रहेंगे तो इनको भी नहीं मिलेगा। ये भाई कितने लोगों से जाके मिले होंगे, उनको पिच किया होगा, उनके क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा, उस पर वर्क करके फिर से गए होंगे, कई सारी मीटिंग्स की होंगी, तब जाके काम मिला ना। तो घर में रहने से किसी को कोई काम नहीं मिलने वाला है, कुछ मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। आर्यन कुछ तो बोल रहे, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बाकी अच्छा मैं आप सारे लोगों को बोलूंगा कि आप लोग और लोगों को भी ये लिंक शेयर करो, हमारा फ्री सेशंस होता है, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ जो आपको मिल रही हैं काम करने की, सीखने की, ये आप लोग जब और लोग भी जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे सब दोनों के लिए विन विन है। गणेश जी को भी लोग चाहिए जो उनके यहाँ काम करें, ठीक है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आते हैं मेरे पास, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मुझे भी काम चाहिए, जॉब दे दो, जॉब दे दो। मैं उनसे कहता हूं आप सेशन में आओ, ठीक है, तो सेशन में आएंगे तभी तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिली। आप लो नहीं लो सेपरेट चीज है, लेकिन सारे लोगों के लिए ये ऑफर ओपन तो है, काम तो मिला यहाँ से, राइट। तो आप और लोगों को भी बोलो इस सेशंस में आए, काम करें, ग्रो करें। इसी तरह से एक कम्युनिटी ग्रो करती है, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। ये हो सकता है एक जॉब इंटरव्यू होता तो गणेश आर्यन को नहीं लेते, क्योंकि इंटरनेट के कॉन्वर्सेशन में नहीं पता चलता है, लेकिन देखते देखते एक फैमिलियरिटी डेवलप हो जाती है और एक ट्रस्ट बन जाता है, यही कम्युनिटी का फायदा है। तो इस कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, और आप लोग जो यहाँ पे रेगुलर आ रहे हो उनको मैं फिर से कहूंगा आप ये प्रोग्राम ले लो, 7 days मनी बैक गारंटी है, नहीं पसंद आए तो पैसे वापस ले लो। और चूंकि आ रहे हो मतलब आप सीरियस हो, तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होती है, क्वेश्चन आंसर से आप सीख जाते हो, डाउट होता है वहां सीखते हो, लेकिन पूरा मैथ की बुक सिर्फ एक कोई सवाल से थोड़ी सीख जाओगे। मैं आपको बोल दूं कि अलजेब्रा का ये क्वेश्चन बना दो, उससे तो नहीं सीख जाओगे। 7th class की पूरी मैथ शुरू से अंत तक आप बनाए होगे, तब ना आज पूरी मैथ्स आती है आपको। तो प्रोग्राम वो चीज है, जो भी यहाँ आ रहे हो आप सारे लोग रेगुलर हो, जो भी नहीं लिया है प्रोग्राम ले लो, 10,000 का प्रोग्राम है, कोई ऐसा आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और उसका देखो एक बार में इन्होंने निकाल लिया 100 times रिटर्न, जो कि गणेश जी पोलिंग बूथ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का इन्होंने काम लिया, जो कि इससे पहले इन्होंने कभी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इनका इन्हें ये काम मिला और इतना बड़ा ऑर्डर मिला, क्योंकि इन्होंने अपना नॉलेज बढ़ाया। इससे पहले ये सोशल मीडिया करते थे, सॉफ्टवेयर बेचते थे, जो कि पोलिंग बूथ स्ट्रेटेजी से एकदम अलग है। तो किस तरीके से गणेश जी अपना 360 degree डेवलपमेंट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता है। आपके सामने है ये यहाँ पे, और आप में, आर्यन में, अक्रम में और गणेश जी में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहाँ सेशन में गणेश जी भी आते हैं और आप लोग भी आते हो, लेकिन आप में और इनमें क्या डिफरेंस है, इन सेशन में ये डाउट्स पूछते हैं और डाउट के अलावा ये पूरा लर्न किए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर डाउट पूछते हैं और उससे एक लेवल और लर्न करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। आप क्या करते हो, आप सिर्फ अपने लेवल पे जाके डाउट पूछते हो, आते हो डाउट पूछते हो, फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाते हो, अपने से करते हो। अपना दिमाग तो अभी तक आपने लगाया ही, आज तक लगा रहे हो, तो अपने दिमाग से जहां तक गए हो वहीं तक तो जाओगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हो। मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूं, उसको लो, देखो, तो नहीं सही लगे पैसे वापस ले लो, अगले सेशन में आके मुझे गाली देना कि भाई मैं झूठ बोल रहा था, राइट। और अब ग्रो करो, सिंपल सी बात है, एक्शन लो, ग्रो करो।
ठीक है, तो आई थिंक और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करते हैं जी। अबे एक जब हम आए और सैटेलाइट से पहुंचे बस से उतरे थे, हमने ऑटो करा रात में कोई पहुंचे। बाय बाय भास्कर जी, एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप अपनी कम्युनिटी में एक ग्रुप बना दें कि हम आपस में मैसेजेस करते रहें। बना लेंगे, पहले थोड़ा कम्युनिटी को ग्रो होने दो, अभी तो वहीं पे कर लो मैसेज। सर आपकी हेल्प लगेगी अभी इस काम में मुझे, मैं आपसे डिस्कस ही करने वाला था सेपरेटली, अब एक दो मीटिंग करेंगे, आपको वीडियो शेयर भी भेज दूंगा मैं। डेफिनेटली सर, चलो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, सही आर्यन जी सही।